निवासी दो आरोपियों सहित पलसूद का एक सिकलीगर हुआ गिरफ्तार। सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध हथियारों की करते थे खरीद फरोख्त। जुलवानिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजस्थान निवासी दो आरोपियों सहित पलसूद थाना क्षेत्र के उड़ी खोदरी निवासी एक सिकलीगर को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से करीब 40 अवैध हथियार बरामद किए हैं। बड़वानी एसपी पुनीत गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर सूचना पर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जुलवानिया थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप को डिलीवरी होने से पहले ही पकड़ते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पलसूद थाना क्षेत्र के उड़ी खोदरी निवासी सिकलीगर सतपाल बरनाला अवैध हथियारों की खेप राजस्थान के झुंझुनू जिला के रहने वाले नरेंद्र राठौर और राहुल महंदिया को राजस्थानी ढाबे पर डिलीवरी करने के लिए आया था। मुखबिर सूचना पर पुलिस ने इन आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़कर उनके पास 15 पिस्तल और 25 देशी कट्टे बरामद किए हैं। आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते थे। ग्राहक भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही बनाते थे। पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती करते थे, फिर अवैध हथियारों को बेचते थे। पुलिस ने राजस्थान पुलिस से भी संपर्क कर गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों की आपराधिक रिपोर्ट की जानकारी मांगी है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। जिसमें मुखबिर द्वारा जो सूचना हमें दी गई थी वो वेरीफाई हुई। उक्त तीनों लोगों से कुल 40 अवैध हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं, जिनमें 15 पिस्टल हैं और 25 देशी कट्टे हैं। उक्त व्यक्तियों में से दो लोग राजस्थान के निवासी हैं, जैसा प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, जिनके नाम नरेंद्र राठौर और राहुल महंदिया हैं। उक्त दोनों व्यक्ति झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हैं और दोनों की उम्र करीब 20 से 25 साल है। और उसके साथ जो लोकल बड़वानी का व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, सतपाल बरनाला जाति सिकलीगर, वो व्यक्ति उंडी खोदरी का है। और प्रारंभिक पूछताछ में अभी जैसा इनके द्वारा बताया गया है कि सतपाल उक्त 40 हथियारों की डिलीवरी नरेंद्र और राहुल को करने वाला था। इस डील को होने से पहले जुलवानिया पुलिस थाना की टीम ने रोका है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो कुल मशरूका बरामद हुई है 40 फायर आर्म्स और एक फोर व्हीलर जो कि वारदात में प्रयुक्त हुई थी। इसके अलावा कुछ मोबाइल फ़ोन्स पुलिस ने जब्त किए हैं, जिसमें सोशल मीडिया के जो उनके अकाउंट्स हैं उनमें कई मैसेजिंग के जरिए ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि लंबे समय से ये दोनों राजस्थान के व्यक्ति हथियारों की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व थे।